फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार में। जी हां, अगर आप सभी को बताएं 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट चुके विद्यार्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को बताएं, आप चाहे सीबीएसई के हो, एसएससी के हो, यूपी के हो या किसी अन्य क्लास के विद्यार्थी हो, आप सभी को बताएं जैसा कि 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पढ़ाई अभी से स्टार्ट करा दी गई है। आखिरकार 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कौन से बड़े मुख्य बदलाव किए गए हैं, साथ ही साथ आप सभी को यह भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि सरकार ने इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सरकार ने विद्यार्थियों के दो बड़े मुख्य आदेश जारी किए हैं, जो कि समस्त विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी होगा क्योंकि आप सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ यह फैसला सरकार ने लेने को लेकर सुझाव मांगा है। तो आप सभी को समस्त जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपके अपने चैनल एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे को जरूर से ऑन कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे प्यारा से निवेदन रखते हैं, प्लीज वीडियो के आखिर तक देखते रहिएगा। जी हां, अगर सबसे पहले मुख्य मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा 2020 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षाओं व स्कूल विभाग पे, कॉलेज विभाग पे व दोस्तों कुल मिलाकर शिक्षा विभाग पे कोरोना का बहुत ही गहरा प्रभाव रहा, बहुत ही बुरा असर रहा, जिस वजह से बोर्ड परीक्षा की तैयारियां विद्यार्थी ना कर पाए, जिसके असर से जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर बुरा पड़ा। कुछ विद्यार्थी प्रमोट हुए लेकिन उनको अब समस्याएं हो रही है, वह जो विद्यार्थी पास हुए उनको भी दिक्कत यह हो रही है क्योंकि उनको अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, एडमिशन में दिक्कत है, आगे चल के कॉम्पिटिशन में दिक्कत है, कई अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब विद्यार्थियों का ऐसा ना हुआ उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले बार